प्रभात, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। विधानसभा कांड की गूंज सड़क से संसद तक। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में नवान्न घेराव कर सकती है भाजपा। विधायकों के सस्पेंशन पर हाईकोर्ट जा सकती है पार्टी। वहीं अस्पताल से लौटाया गया विधायकों को, आज मनोज टिग्गा को ले जाया जाएगा एम्स। बच्चे को गोद में लेकर मुख्यमंत्री ने दिखाई ममता, बच्चों ने मुख्यमंत्री के पैर छुए। दार्जिलिंग में की सुबह की सैर, आम जनता से मुख्यमंत्री हुई रूबरू। रामपुरहाट मामले में सीबीआई करने जा रही है बड़ी कार्रवाई। रामपुरहाट हिंसा में एक और पीड़िता की मौत, सोमवार को हुई कार्रवाई पर एक नजर। पूर्व एसडीपीओ व पुलिस कर्मियों से पूछताछ, पोस्टमार्टम करने वाले वरिष्ठ डॉक्टर से भी हुई पूछताछ। कल यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाश्ते पर बुलाया है। सोमवार को भाजपा सांसदों के पास इस संबंध में पीएमओ से फोन आया और उनसे कहा गया कि बुधवार की सुबह 8:30 बजे पीएम भाजपा सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात करना चाहते हैं। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नज़र। कचरापाड़ा में तृणमूल पार्षद के पति व समर्थकों पर हमला। हमले का आरोप इलाके के ही एक तृणमूल कर्मी पर। स्थानीय विधायक ने कहा, गुनहगार कोई भी हो, होगी कार्रवाई। जरा अन्याय करबे जेई हो से अन्याय जे शास्ति सेटा प्रशासन देबे। क्यों शास्ति देगे सेटा तो पुलिस बोलते पारबे। घटनाटा की घटेछे आमि जानबो की करे। आमार काछे जेटा खबर एसेछे सेटा आमि पुलिस तार एक्शन नियेछे, पुलिस तार कार्यक्रम करेछे, तारपरे देखा जाबे। मालबाजार महकमा से सटे लाटागुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग अब्दुल मोड़ इलाके में एक चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार घायल हुए हैं। झालदा के पार्षद की हत्या की सीबीआई जांच, सुनवाई आज। पत्नी ने दायर की रिट, पुलिस के खिलाफ मिली भगत का आरोप। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। योगी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पास रखे 34 विभाग। डिप्टी सीएम केशव को ग्राम विकास और ब्रजेश पाठक को हेल्थ डिपार्टमेंट मिला। ऐसा रहेगा आज का दिन। आज का पंचांग एवं राशिफल। 29 मार्च राष्ट्रीय तिथि 8 चैत्र सके 1943 विक्रमी संवत 2078। मेष राशि, दिन लाभदायक रहने की आशा है, रुका काम थोड़े प्रयास से संभव है। वृष राशि, किसी प्रसन्नतादायक समाचार की प्राप्ति संभव है। मिथुन राशि, किसी आत्मीय के सहयोग से चल रही समस्याओं में सुधार संभव है। कर्क राशि, आए दिन परेशानी भरा हो सकता है, पर क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए किसी भी विवाद से आज बचें। सिंह राशि, बकाया भुगतान थोड़े प्रयास से संभव है। कन्या राशि, पूरी निष्ठा के साथ चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करने की कोशिश करें। तुला राशि, चल रही समस्याओं का समाधान कुछ प्रयास से संभव है, अपनों के परामर्श में रहें। वृश्चिक राशि, कोई पारिवारिक समस्या आज हैरानी का कारण बन सकती है, धैर्य से काम लें। धनु राशि, अवसर प्रदान करने वाला दिन होगा। मकर राशि, आर्थिक प्रगति के कुछ नए नए अवसर आज मिल सकते हैं। कुंभ राशि, दिन सफलतादायक रहने की आशा है। मीन राशि, लेन देन में सावधानी रखते हुए आर्थिक नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बादल साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं रात 9 बजे देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के साथ। नमस्कार।